थर्मोडायनेमिक्स का एक्सरसाइज क्वेश्चन 20 दिया है। क्वेश्चन सेज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, रिएक्शन कहीं तो दिया ही नहीं है, ठीक है, फिर भी आगे बढ़ते हैं। इज 10 कोई एक पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन है और उस केमिकल रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू 10 दिया है, के हो गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यहाँ पर के क्यू भी कर सकते हैं, के सी भी कर सकते हैं, इज इक्वल टू 10 दिया है भाई, ये 10 हो गया, डेटा दिया है। क्वेश्चन सेज व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नॉट, डेल्टा जी नॉट होता क्या है, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज का वैल्यू आपको निकालना है, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, ये आपका नॉट लगा इस वजह से स्टैंडर्ड आ गया, और ये जो डेटा दिया है आर की जो कॉन्स्टेंट वैल्यू 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन दिया है, टेम्परेचर दिया आपका 300 केल्विन दिया है भाई, ठीक है, टेम्परेचर का वैल्यू दिया है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू दिया है, टेम्परेचर का वैल्यू भी दिया हुआ है, 300 केल्विन दिया हुआ है, और आपको कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज का वैल्यू, ठीक है, रिलेशन दिमाग में रखें, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा, क्लास 11 के स्टूडेंट्स है तो आप जो रिलेशन पढ़ा होगा डेल्टा जी नॉट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में जो रिलेशन होता है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.303, और ये आपका RT और log, ये आपका KAQ हो गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ये इक्वेशन आप दिमाग में रखें, ये रिलेशन होता है भाई, ये रिलेशन किसके बीच में, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज एज वेल एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में, R का वैल्यू दिया हुआ है, टेम्परेचर का वैल्यू दिया हुआ है, K का वैल्यू दिया हुआ है, डेल्टा जी नॉट का वैल्यू कैलकुलेट किया जा सकता है, रिएक्शन दिया है नहीं दिया है कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि कुछ डेटा रिक्वायर्ड भी नहीं है, ठीक है, जो भी जरूरत है पूरा का पूरा दिया है। चलिए प्लग इन करते हैं, डेल्टा जी नॉट हो जाता है आपका इज इक्वल टू -2.303 मल्टीप्लाइड बाई आर की वैल्यू दिया है 8.314 जूल पर मोल और पर केल्विन हो गया, मल्टीप्लाइड बाई टेम्परेचर का वैल्यू 300 केल्विन हो गया, लॉग और के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू 10 दिया है, और लॉग 10 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो ये पूरा पोर्शन तो आपको चला गया इक्वल टू 1 है, ठीक है, यहाँ से आप केल्विन केल्विन को कैंसिल करिए, केल्विन केल्विन कैंसिल हो गया, ये जो इक्वल टू -2.303 मल्टीप्लाइड बाई 8.314 मल्टीप्लाइड बाई 300 और ये जूल पर मोल बच गया भाई, जूल पर मोल जो आंसर आएगा जूल पर मोल में आ जाएगा, इस पोर्शन को आप सिंप्लीफाई करें, ठीक है भाई। अच्छा मैं करता क्या हूँ, इसको ऐसे लिखता हूँ 2.303 एंड मल्टीप्लाइड बाई 8.314 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 10^2 और ये जूल पर मोल हो गया, 300 को 3 मल्टीप्लाइड बाई 10^2 कर देते हैं, ठीक है। अच्छा इस पोर्शन को इसको मल्टीप्लाई करना, 3 3 9 0 3 3 9 हो गया, 0.32 6 हो गया, माइनस मल्टीप्लाइड बाई 8.314 मल्टीप्लाइड बाई 10^2 और ये जूल पर मोल हो गया। चलिए हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ये दिया है आपका 6.909 मल्टीप्लाइड बाई 8.314 हो गया, ध्यान दीजिए भाई, 4 9 36 39 हो गया, 4 6 24 और ये हो गया 27, ठीक है, ये हो जाएगा 909 और ये 6 हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे 3 9 27 हो गया, 27 से 7 मिल जाएगा, 3 6 18 और 18 2 क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करिए यहाँ पर, 8 9 72 हो गया, 72 करिए यहाँ पे 2 आ जाएगा, 8 6 48 हो गया, 48 7 कितना हो जाता है 48 7, ये 55 हो गया, 55 कर दिया भाई, ठीक है, ऐड करिए, ये 6 आ गया, 9 3 8 12 हो गया, 9 7 16 हो गया, 16 17 हो गया, 1 बचा हुआ है और ये 1 कर दिया हमने, ये 4 हो जाएगा, 9 4 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, 13 7 20 हो जाएगा, 21 ये 21 हो गया, ये 2 कर दिया हमने, अब ठीक है 7 7 14 हो गया, 14 6 कितना हो जाएगा 20 हो गया, ये 22 हो गया, ये 24 हो गया, 4 करिए, ठीक है 24 ये 4 हो गया, ठीक है भाई, ये कितना हो गया 7 हो गया, ये कितना हो गया 5 हो गया, ये वैल्यू मिल जाता है। डेसिमल यूज करिए 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ये हो गया भाई, तो इसको मैं क्या करता हूँ राउंड ऑफ, काफ़ी लार्ज वैल्यू है भाई, इसको 57.44 जूल पर मोल कर लेते हैं,
माइनस 57.44 और ये हो गया 10^2, और ये जूल पर मोल कर लेते हैं। इसको किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए इस वैल्यू को हम 1000 से डिवाइड करते हैं। जब आप इस वैल्यू को 1000 से डिवाइड करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे इसको, 1000 से जब आप डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। या आप ऐसा भी कर सकते हैं, भाई अचानक 1000 कहाँ से आएगा, तो इसको आप करेंगे क्या भैया, इसको 1 kJ/1000 ऐसा कर दीजिए, 1000 जूल, तो ये जूल जूल कैंसिल हो जाएगा। 10^2 दो जीरो को उड़ा देगा। जब इस वैल्यू को आप 10 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा -5.744, और ये kJ/mol मिल जाएगा, kJ/mol। इस केमिकल रिएक्शन के लिए है ही नहीं द रिएक्शन दिया है, केवल द रिएक्शन, जो भी केमिकल रिएक्शन है जिसके लिए डेटा दिया है उसके लिए डेल्टा जी नॉट, स्टैंडर्ड एंथैल्पी, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी -5.744 किलो जूल पर मोल। इसमें इस क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है भाई, ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है कि आपको ये फार्मूला दिमाग में रखना, ये फार्मूला आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर में भी मिलेगा पढ़ने के लिए, ठीक है भाई। तो ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 आर टी लॉग के एक यू हो गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसको हम ऐसे भी मेंशन कर देते हैं, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा -RT, और ये हो गया LN और K मेंशन कर देते हैं, ये भी ठीक है, एक ही बात है। LN को कन्वर्ट करेंगे लॉग में तो ये फार्मूला आपको मिल जाएगा, दोनों फार्मूला करेक्ट है ओनली, बट न्यूमेरिकल में हम इस फार्मूला को प्रेफरेंस देते हैं।